नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह सरोज। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से। ईंट भट्ठा पर कोयले की जगह भूसा एवं लकड़ी से पकाया जा रहा ईंट। खबर विस्तार से। प्रयागराज कचना क्षेत्र में ईंट भट्ठे पर कोयला महंगा होने के कारण सरसों के भूसा से ईंट पकाया जा रहा है। क्षेत्र में अधिकांश भट्टों पर पकाने के लिए भूसा जलाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। ईंट पकाने में भी भूसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोयले का दाम बढ़ने से अधिकतर भट्टा मालिक मवेशियों के खाने वाले भूसा जलाकर ईंट पका रहे हैं। भूसा इस्तेमाल करने से ईंट की गुणवत्ता कमज़ोर होती है, जिससे मजबूती नहीं होती और ईंट खरीदारों के साथ धोखा किया जा रहा है, जिसकी कीमत कोयले से ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। भट्टे की चिमनी से निकलने वाले धुएं से वायुमंडल में प्रदूषण फैल रहा है। सरकार द्वारा कुम्हारों की भट्टियां तोड़ दिए जा रहे हैं, यह कहकर कि प्रदूषण हो रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान इन भट्टों पर नहीं जा रहा, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। इस प्रदूषण के कारण आम की फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह खास रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता कर्चना से, लालचंद प्रजापति की।